सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर रजक, आपका एजुकेशनल ट्रेनर जो देता है एजुकेशनल ट्रीटमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए कॉपिंग के बारे में। आज उसी को डिटेल में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, रिप्रोडक्शन के अगले स्टेप पे जाएंगे। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लिया, डीएनए कॉपिंग समझ लिया, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको जैसे बताया था पहले भी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट हो, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिले, फ्यूज हो, और फ्यूज होने के बाद जो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा और एनिमल में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा ये जानना जरूरी है। तो आज हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है और कहां होता है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन। सो देखिए, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, फूलों के अंदर। ये देखिए फूल, ये फूल क्या है, प्लांट्स के अंदर, इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यहीं पे सारा का सारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यहीं पे होगा। एनिमल में कहां होता है, एनिमल में मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, लेकिन प्लांट्स में है ना एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिसमें दोनों, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग देखने को मिल सकता है। जैसे इसमें देख रहे हैं, एक मेरा ये मेल पार्ट, एक मेरा ये फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल के लिए पपाया, ये पपाया हो गया, या कोकोनट हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसके अंदर एक ही ऑर्गन होता है, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा। तो आपको इतना समझ में आया कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है, आपका फ्लावर है। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर है। फूल जो है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो समझते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पोर्शन होते हैं। तो बेसिकली एक बार ये बने बनाए फिगर से समझिए, बेसिकली फ्लावर्स के अंदर ना चार पार्ट है। क्या क्या है, पांच पार्ट है। कौन कौन सा, सबसे पहले रिसेप्टेकल, ये बेस पार्ट जो है ग्रीन ग्रीन देख लो, जिसके अंदर ये सारा का सारा पेटल्स सेपल्स अटैच है, इसको बेस पार्ट को हम बोलते हैं रिसेप्टेकल्स। ये पूरे के पूरे ओवरी को होल्ड करके रखता है, पेटल्स सेपल्स इन सबको अरेंज करके रखता है, पकड़ के रखता है। देन उसके बाद है सेपल्स, सेपल्स ये ग्रीन कलर का लीफ जो देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो लीफ है ये सेपल्स है, ये सेपल्स है। ये इसका काम क्या होता है, जब फूल जो है ना अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बर्ड के फॉर्म में, कली के रूप में जो होता है ना फूल, तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन, ऐसे चारों साइड से जो कवर करा हुआ होता है उसको बोलते हैं कली जो होता है ना, ये देखे आप कली, इसके चारों साइड जो पत्ती है ना हरे हरे, इसको बोलते हैं सेपल्स। उसके बाद जो रंग बिरंगे जो पत्ते देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पेटल्स। सो ये रंग बिरंगे पत्ते जो है पेटल्स है। इस पेटल्स का काम क्या होता है कि भाई अट्रैक्शन के लिए, मेन फंक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन, किसको, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट में बीज हो गया, बटरफ्लाईज हो गया, इनको अट्रैक्ट करना होता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये नेक्टर लेने के लिए इसके पास आए, ताकि नेक्टर लेने के लिए आएगा तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। अब ये पॉलिनेशन क्या है, अभी आगे समझेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बस आपको अभी इतना समझना है। पैटर्न्स का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को। इसके अलावा सेकंड काम होता है कि भाई मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आप देख रहे डायग्राम में चारों साइड से कवर करके बैठा हुआ है, तो इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आपका मेल और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट कौन सा, ये बीच में जो पार्ट है ना, ये बीच में जो पार्ट है इसको बोलेंगे फीमेल पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। क्या है ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये तीन चीज है इसका, अभी मैं डायग्राम में बनाकर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो है आपका उसकी चारों साइड जो है ना बंदर, ये चारों साइड जो बंदर है उसको बोला जाता है स्टैमन बोला जाता है, मतलब मेल पार्ट है, बीच में फीमेल पार्ट और साइड से मेल पार्ट, बिल्कुल एकदम जो नेचुरल दुनिया में होता है ना, एक लड़की के पीछे चार पांच लफंडर घूमते रहते हैं आजू बाजू, अच्छा मैं मौका तलाश रहा हूं, मैं मौका तलाश रहा हूं, ऐसे ही फूल के साथ भी होता है। एक बिचारी फूल के बीच में एक फीमेल ऑर्गन, उसके चारों साइड से इतने सारे मेल ऑर्गन पीछे पड़े होते हैं कि भाई मैं रिप्रोडक्शन करूंगा तो मैं करूंगा। सो डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं डिटेल में। देखिए आपका मैं फूल बनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले रिसेप्टेकल, बेस पार्ट जो होता है रिसेप्टेकल होता है, बेस पार्ट जो होता है आपका रिसेप्टेकल होता है। आपका फूलों का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है, रिसेप्टेकल्स होता है। अब ये रिसेप्टेकल देखिए, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है तो डायग्राम के लिए ना, डायग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है फाइन आर्ट्स गुरुजी, उसके ऊपर जाकर आप सीख सकते हैं। संजय सर जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाना सिखाते हैं, सो दैट्स व्हाई अगर आपको डायग्राम में और मतलब यहाँ अगर दिक्कत आ रही है तो वहां जाकर डायग्राम, खाली ओनली डायग्राम, डायग्राम के लिए बड़े एक्सपर्ट है, बड़े प्यार से एक एक चीज कला सिखाते हैं, बड़ी क्वालिटी है उसमें। तो जाकर चैनल पर विजिट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी जो उनके अपडेट्स आते रहते हैं, जितने भी आपके 10th के डायग्राम है सारे डायग्राम्स वहां मिल जाएंगे। मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हो, लेकिन वहां भी आप जाकर अगर दिक्कत आ रही है तो जा सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ तो है ही। तो देखिए इस पोर्शन को जो हम बोलेंगे ना, ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलेंगे रिसेप्टेकल। अब इसी से ना आपका सेपल्स अटैच होता है, सेपल जो है ना इसी से अटैच होता है, सेपल जो है इसी से अटैच रहेगा। मैं देखो मैं जो डायग्राम बनाऊंगा बस इतना बनाऊंगा
कि मैं आपको मैं समझा सकूं, मैं जो आप डायग्राम उतना बनाऊंगा कि आपको समझा सकूं। इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल्स बोलेंगे इसको, और ये वाला जो है सेपल्स बोला जाएगा। इसका फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, इसका फंक्शन क्या होता है रिसेप्टेकल्स का, सबको होल्ड करके रखना। सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, अर्ली स्टेज में जब फूल जो है कली के फॉर्म में है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और इसके अलावा जो है पेटल्स को होल्ड करके रखना। अब इसी के बीच साइड में है सारे का सारा पेटल्स। पेटल से पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाना पसंद करूंगा। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कुछ इस तरीके से। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको बोलाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव। इधर से ज्यादा निकल गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ना बोलाते हैं कार्पेल या पिस्टिल। क्या बोलेंगे, नाम इसका क्या होगा, कार्पेल या पिस्टिल, ये लिख लीजिएगा। इसका नाम होगा कार्पेल या पिस्टिल। अब इसके अलावा इसके चारों साइड जो लफंडर की बात कही थी मैंने, वो होता है स्टैमन कहलाता है, उसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोला जाएगा स्टैमन। इसको क्या बोलेंगे, स्टैमन बोलेंगे। ये ऑल आर स्टैमन। अब देखो एक चीज मैं सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हो ना साइंस का, तो लेबलिंग जो करते हैं ना हम हमेशा एक साइड करनी चाहिए। लेबलिंग है ना हमेशा एक साइड करना चाहिए, दोनों साइड लेबलिंग मत करिए। जब ज्यादा जरूरत है तब दोनों साइड करिए, नहीं तो अगर एक साइड पॉसिबल है तो एक साइड करिए, उससे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, डायग्राम जो है क्लियर आता है। लेकिन अब इस डायग्राम में देखिए दोनों साइड करेंगे तो अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि एक साइड फीमेल पार्ट को दिखा पाएंगे, एक साइड मेल पार्ट को दिखा पाएंगे। और जो लेबलिंग भी करेंगे ना, कोशिश ऐसे करिए कि भाई जैसे मैंने ये किया गलत तरीका है, मैं क्या करूंगा, पहले मैं सबका एरो लगा लूंगा, सबका मैं एरो लगा लूंगा। देखिए मेल फीमेल पार्ट बन गया। अब उसके अंदर मैं पैटर्न्स बना लेता हूँ, ये रंग बिरंगे पार्ट जो है मेरा पैटर्न है चारों साइड से, अपने अपने हिसाब से पैटर्न्स बना लीजिएगा, अलग अलग आकार के पैटर्न्स होते हैं, तो मैंने ऐसा बना दिया। तो ये आपका पैटर्न्स है। तो देखिए पैटर्न जब भी मतलब लेबलिंग करेंगे ना, मैं तीन पार्ट का लेबलिंग कर रहा हूँ, तो इसमें इसका ये डिस्टेंस सेम रखिए, डिस्टेंस सेम रखिए। अब उसके बाद देखिए ये क्या है मेरा पैटर्न्स, और ये क्या है मेरा सेपल्स, और ये क्या है मेरा रिसेप्टेकल्स। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, स्पेलिंग मेरे को स्पेलिंग इतना याद नहीं रहता, तो देख लीजिएगा छोटे छोटे अगर कहीं मिस्टेक्स हो तो उसको अवॉइड करिएगा। तो ये हमारे पास जो है तीन पार्ट्स है। अब उसके बाद जो आपको बताया स्टैमन, स्टैमन कौन सा हो जाएगा मेरा, ये तीन पार्ट, ये जो है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, स्टैमन क्या जाएगा ये पार्ट। अब बोलेंगे सर आपने एक तरफ बोला था लेबलिंग के लिए, आप दोनों तरफ कर रहे हैं, तो मेरे साथ देखो इसमें ना इस डायग्राम में मैंने इसको मुझे इस साइड बनाना चाहिए था डायग्राम, एक साइड नोटबुक के इस साइड बनाओ या इस साइड बनाओ, किसी लेफ्ट या राइट में बनाओ ताकि एक साइड लेबलिंग हो सके, ऐसे ही करना है। आगे जब कभी डायग्राम आएगा मैं उसमें बनाकर दिखाऊंगा। तो ये है स्टैमन। स्टैमन में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इसको बोला जाता है फिलामेंट, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। और ये जो होता है ना एंथर होता है, ये क्या होता है एंथर, यही मेन चीज है। ये एंथर जो है ना इसी के अंदर जो है इसी के अंदर है पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेट्स होता है ना, जैसे ह्यूमन बींग में स्पर्म होता है, यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है ना पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन का ही काम है, बाकी ये पोर्शन किसी काम का नहीं है। ये स्टैमन में जो है इस फिलामेंट किसी काम का नहीं है, फिलामेंट तो बस होल्ड करने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये यहां से यहां पहुंच सके, ये मेल जो है ना फीमेल तक पहुंच सके। ये मेल पार्ट कई सारे मिलेंगे, फीमेल पार्ट एक ही होगा। आप अपने घरों में भी जो गुड़हल का हिबिस्कस का अगर फूल हो ना, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, उसमें देखिएगा, देखने को इजीली मिल जाएगा। अब ये जो आपका मेल पार्ट है ना, सॉरी ये बीच में जो फीमेल पार्ट है, इसको बोला जाएगा स्टिग्मा। इस पूरे को फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पूरे फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं, पहले मैं लेबलिंग कर दूं, इसको बोला जाएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मेल पार्ट लैंड करता है, स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मेल पार्ट लैंड करता है। ये चिपचिपा पोर्शन होता है, ये जो है ना चिपचिपा पोर्शन होता है, जैसे ही कोई पोलन ग्रेन आएगा ना वो चिपक जाएगा उस पर, इसलिए चिपचिपा होता है। तो यहाँ चिपक जाएगा, ये स्टिग्मा है, और उसके बाद ये जो है ना स्टाइल है, ये क्या है स्टाइल है, इट्स अ स्टाइल। अब मुझे देखो लेबलिंग के लिए जगह नहीं है, मैं तो रेंडमली लेबलिंग कर रहा हूं, मैं कहीं भी लिख देता हूं। आप लेकिन जो करेंगे ना थोड़ा ढंग से करिएगा, आप जो करेंगे वो ढंग से करिएगा। मैं यहाँ स्टैमन हटा देता हूँ, स्टैमन मैं यहाँ हटा देता हूँ, स्टैमन मैं इधर लिखता हूँ, इन दोनों को बोलते हैं ना स्टैमन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ स्टैमन, या फिर थोड़ा सा इसको जगह देकर मैं दोबारा इसकी लेबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दोबारा थोड़ा सा समय दीजिए, दोबारा कर देते हैं। ये स्टिग्मा हो गया, मैं पहले स्टाइल लिख देता हूँ, स्टिग्मा के बाद मेरा ये स्टाइल है, स्टाइल के बाद ये ओवरी है, इट्स अ ओवरी। ध्यान से देखिए एरो कहां से कहां जा रहा है, ये मेरा पूरा पोर्शन जो है ना ओवरी का है, ये पूरा पोर्शन, ये गोल गोल जो है ना ये ओवरी है, तो ये मेरा ओवरी,
इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, कार्पेल या पिस्टल। इन तीनों को मिलाकर बोलेंगे कार्पेल या पिस्टल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये एंथर, ये हमारा एंथर और ये हमारा फिलामेंट, और इन दोनों को मिलाकर बनता है स्टैमन। सो आपका जो स्टैमन है वो मेल पार्ट है और कार्पेल या पिस्टल जो है फीमेल पार्ट है। ये पार्ट होते हैं प्लांट्स के, फ्लावर में ये प्लांट्स होते हैं। अब दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर ऐसा होता है जिसके अंदर ओनली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिलेगा, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया। तो अब देखो जिसके अंदर एक एक मिलेगा ना, चाहे मेल या चाहे फीमेल, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसको कौन सा फ्लावर बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल के लिए पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल के लिए आपके पास हो जाएगा भाई मैंगो है, मस्टर्ड है, हिबिस्कस है, रोज है, चाइना रोज है, ये सारे के सारे ना बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंदर दोनों के दोनों मिलेंगे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी। डायग्राम के लिए देखिए, ये मेरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल, इसके अंदर दोनों पार्ट है, इसके अंदर सिंगल पार्ट है। अब ये था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट्स का। अब ये परफॉर्म कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करवाएगा वो देखिए। तो हमारा जो है ना ये पोलन ग्रेन ना यहां से यहां जाएगा, पोलन ग्रेन को यहां से यहां पहुंचाना है, यहां से यहां पहुंचाना है। तो जब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रांसफर का प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन का डेफिनेशन आता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी पूछते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जाने के प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन करवाने के लिए आप बोलोगे ट्रांसफर अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, तो अपने आप नहीं होगा, करवाना पड़ेगा। अब ये कौन करवाएगा, करवाने के लिए हमारे पास तीन चार फैक्टर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इंसेक्ट। इंसेक्ट में बीज और बटरफ्लाईज, आपने देखा होगा इंसेक्ट और जो बटरफ्लाईज और बीज है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर मंडराते रहते हैं। आपने सुना होगा भबरों ने खिलाया फूल फूल, या भबड़े मंडरा रहे हैं। तो ये मंडराना क्या, क्यों मंडराते हैं, कि भाई उनको चाहिए रस, क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए, हनी को चाहिए, हनी बी को चाहिए नेक्टर, ताकि हनी प्रोड्यूस कर सके। तो हनी की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराएगा, जैसे आप मंडराते हैं। अब भाई इधर सेटल नहीं हुआ तो उधर जाके सेटअप बैठाने की कोशिश करते हैं, कि भाई इधर एडजस्टमेंट नहीं हुआ उधर जाके। तो ऐसे इंसेक्ट भी होता है। तो इंसेक्ट जब एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं ना, तो एक फूल पे मान लो यहां बैठा, यहां इंसेक्ट बैठा, तो उसके पैरों में एंथर चिपक जाएगा, उसके पैरों में एंथर चिपक जाएगा। और जब वो जब दोबारा जाकर दूसरे फूल पे बैठेगा, या फिर इसी फूल पे जब दूसरी पोजीशन पे बैठेगा, तो हो सकता है उसका पैर ये स्टिग्मा के ऊपर पड़ जाए। जैसे स्टिग्मा के ऊपर पैर पड़ेगा ना, वो एंथर वहां चिपक जाएगा, पोलन ग्रेन वहां चिपक जाएगा, और फिर वहां से वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही उसके ऊपर चिपक गया, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करेगा, वो वहां से यहां तक आ जाएगा, और यहां तक आने के बाद जो है रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से इंसेक्ट मदद करता है। इसके अलावा आपका बर्ड्स भी हेल्पफुल होते हैं, वाटर, और इसके अलावा विंड। ये चार फैक्टर होते हैं टोटल जो पॉलिनेशन करवाता है। तो बर्ड्स कैसे हेल्प करेगा, बर्ड्स भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, या मान लो इधर से उड़े उधर गए, तो इस तरीके से वो मूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। और विंड्स, जब हवा चलती है तो हवा के बहाव से भी एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन चला जाता है। पानी, जब बारिश होती है ना, तो भी आपका पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होने का चांसेस होते हैं। तो उसे ये चार फैक्टर जो पॉलिनेशन करवाता है। अब पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जब एक ही प्लांट के ऊपर एक फूल से दूसरे फूल में, या एक ही फूल के ऊपर उसी फूल के एंथर से स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर हो जाए, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल के डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सेम एक ही पौधा है, एक ही पौधे पे एक एंथर से दूसरे पे जा रहा है, मतलब दूसरे फूल पे जा रहा है, और एक फूल सेम फूल पे भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्लांट है, इसमें दो फूल है, तो अभी इसी से अगर इसी पे आ जाए तो उसको बोलेंगे सेल्फ, अगर इससे इस पे भी आ जाए तो भी इसको बोलेंगे सेल्फ। लेकिन मान लो अगर मेरे पास जो है, मेरे पास एक और प्लांट है, एक और प्लांट है, उसके पास भी फूल है, तो अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाए, एक प्लांट सेम टाइप का, याद रहे सेम टाइप का, मैंगो का मैंगो पे, एप्पल का एप्पल पे, एप्पल का बनाने पे नहीं जाना चाहिए, तब नहीं होगा रिप्रोडक्शन। सो अगर हमारा जो है एंथर वन प्लांट टू अदर प्लांट जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, और सेम प्लांट पे रहेगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर घर की बात, घर में ही रह जाए तो सेल्फ है, बाहर पड़ोस वाले तक चला जाए तो क्रॉस है। इतना याद रहेगा, पॉलिनेशन समझ में आया। अब पॉलिनेशन के बाद भाई ये रिप्रोडक्शन होता कैसे, वो समझो आपको बताया था। तो देखो हमारा जो है ना,
हमारा एंथर जो है, हमारा एंथर कहां से कहां आएगा, यहां से ये एंथर जो है स्टेमन पार्ट से स्टिग्मा तक आएगा। स्टिग्मा पे आने के बाद यहाँ पे मान लो आ गया, यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, एंथर पूरा नहीं आएगा। एंथर के ऊपर पाउडर जैसा पीला पीला स्ट्रक्चर होता है उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर एक लेयर होती है केमिकल्स की, वो लेयर आते के साथ ही ना यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा। ग्रो क्या करेगा, यहाँ पे एक ट्यूब जर्मिनेट करेगा, ये पतली से ट्यूब जर्मिनेट करेगा। और यहाँ पे ना हमारा ये जो है ओवरी है, ये ओवरी कहलाता है। मैं इसको अब ये सब मैं थोड़ा मिटाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत है वो चीज करवाऊंगा। तो अब ये मेरा ओवरी है, ओवरी के अंदर ना यहाँ पे आपके सेल होते हैं, तीन सेल यहाँ पे होते हैं, दो सेल यहाँ पे होते हैं। तो ये टेट्रार्क कहा जाता है, यहाँ पर सिनर्जिड बनता जाता है। अभी देखो बताता हूँ, ये आपका यहाँ से नीचे जाएगा, ये ट्यूब है ना, ट्यूब है ये, इसको बोला जाता है पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब कहा जाता है। और ये यहाँ से नीचे जाने के बाद इस तरीके से यहाँ जाएगा, और यहाँ से इसके अंदर ना एक छोटा सा मेल गैमेट जाएगा, मेल गैमेट छोटा सा जाता रहेगा। डायग्राम यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं बना, फ्री हैंड डायग्राम है ये आपका जो है, मेल गैमेट यहाँ से ट्रांसफर होता रहेगा। और ये धीरे धीरे मेल गैमेट जब यहाँ पे पहुंच जाएगा ना तो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करने मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो आपसे अगर कहीं पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, देन यू विल से दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। भाई मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो ये दोनों के दोनों मिलेंगे तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे जायगोट। दोनों के दोनों फ्यूज हो जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनता है हमारा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में फिर से सेल डिवीजन होगा तो उससे जो है नया यंग वंस बनेगा। क्या बनेगा, नया बच्चा प्रोड्यूस होगा, यंग वंस प्रोड्यूस होगा जो कि आपका नया प्लांट सीड्स बन जाता है। और जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना यहाँ पे तो बाकी के जो सेपल पेटल्स ये सब जो है झड़ने शुरू हो जाएंगे, इसका फिर कोई काम नहीं रह जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, दो डायग्राम है एनसीईआरटी में, एक पूरे फ्लावर का है, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। तो देखो ये वाला जो है ना इसको बोलते हैं पूरे फ्लावर का, एग्जाम में पूछा जाता है फ्लावर का डायग्राम बनाओ तो ये बनाओगे, और अगर आपसे बोला जाता है कि भाई जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन बताओ तो फिर आपको ये वाला बनाना है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन में ये वाला बनाना है। और आपका पूरे का पूरा ओनली बोला जाए रिप्रोडक्शन इन फ्लावर तो आपको ये बनाना है। तो दोनों डायग्राम अलग अलग है, अलग अलग पूछा जाता है, डायरेक्ट डायग्राम पूछा जाता है, इसका डायग्राम अलग भी ड्रॉ करने के लिए आता है। तो अलग ड्रॉ करने के लिए बाकी सारा पोर्शन हटा दोगे, ये पीछे का सारा नहीं आएगा, बस खाली ये पोर्शन आएगा। और अगर पूरे फ्लावर बनाकर भी ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब दिखा देते हैं तो भी आपका सही है, कंफ्यूजन रहता है ना आपको कि कौन सा डायग्राम बनाए कौन सा नहीं बनाए, ये पूरा का पूरा बना दो, कोई भी पूछा गया हो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे 101%। ये इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके बनाया। तो इसी को बोलते हैं पोलन पॉलिनेशन। और जैसे ये फर्टिलाइजेशन होगा ये सेपल्स पेटल्स ये जो एंथर वगैरह है अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, वो झड़ जाएगा अपने आप ही, सूख जाएगा। देखा होगा जैसे कुछ आफ्टर सम टाइम ना फूल सूख जाते हैं, सूखने और पत्तियां झड़ जाते हैं सारे, वो कारण क्या होता है कि भाई वहां फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये धीरे धीरे सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होने के बाद जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पूरा फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट के अंदर सीड होगा, एक्चुअल में सीड बनेगा जो इसके अंदर ना आपका ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर फिर से एक और लेयर होता है ओव्यूल, ये जो है ना ओवरी है, पूरा का पूरा ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल जो है ना सीड्स में कन्वर्ट होगा और ओवरी जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। और ये जो है आपका इसमें प्लांट्स में सभी प्लांट्स में होता है लगभग, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाता है। जैसे एप्पल है, एप्पल ऐसा है जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता डायरेक्ट फ्रूट बन जाता है। इस तरह के फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या पार्थिनोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो एप्पल उसका एक्सेप्शन है, लेकिन आपके टेंथ के सिलेबस में नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, फिर ये था पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब अगले लेक्चर में जो हम समझेंगे एनिमल के बारे में। अगर अभी तक देखिए आपने साइंस फटाफट की सीरीज आ चुकी है हमारी, तो साइंस फटाफट में आपको हर एक लेक्चर में पूरा का पूरा जो है चैप्टर बताने की कोशिश किया है। सो दैट्स व्हाई अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो उसके अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर है, तो आपके आप जाकर चेक करिए। पूरे 50 घंटे में जो है आपका पूरा सिलेबस करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, साथ में कुछ टेस्ट पेपर भी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी है। सो दैट्स व्हाई उसको जरूर विजिट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।